पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान पशुपतिनाथ महिला संकीर्तन समिति द्वारा 84 घंटा मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह पशुपतिनाथ के सम्मुख हवन पूजन किया गया, तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया और सायंकालीन सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्तों ने अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया व धर्म लाभ प्राप्त किया। सारा वातावरण भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहा था। भंडारे में महंत विष्णुदत्त शर्मा, सत्यदेव शर्मा, सविता शर्मा, बबीता ठाकुर, मीना रंजनी रस्तोगी, अनीता सक्सेना, स्नेहा अग्रवाल, पुष्पा वर्मा, कृष्णा देवी, रमा अग्रवाल, मीनू शर्मा, मंजू शर्मा, मंजुला शर्मा आदि के साथ समस्त शिव भक्त मौजूद रहे। हर सोमवार दिन में हमारी पशुपतिनाथ महिला संकीर्तन समिति है, उसकी अध्यक्ष हमारे मैम साहब हैं सविता शर्मा, उससे हम भोले बाबा के पीछे कीर्तन जो है हर सोमवार के लिए लगभग 8 साल से करा रहे हैं और साल में एक बार वार्षिक उत्सव भी करते हैं। समय के लिए बहुत अच्छी स्थिति में यज्ञ होता है, दोपहर में भंडारा चलता है, शाम के लिए कोई सुंदरकांड वगैरह मतलब करवाते हैं। तो ये हमारा छठा वार्षिक उत्सव है और इसमें हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम सभी क्षेत्रवासियों से क्या मंगलवासियों से ही आशा करते हैं कि हमारे भोले बाबा से एक बार आते हैं अपनी दुख व्यक्त करें और एक बार उनके सारे दुख दूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों का भी आभारी हूँ जो हमारे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भक्तों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि वो जितने शिव भक्त बाबा जाने जाते हैं, जितने अपने मन में प्रेरणा रखते हैं, उससे ज़्यादा अगर बाबा से आकर आशीर्वाद ले रहे तो जो कांवड़ जाने में इन्हें फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा ये बाबा